हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप केवीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स को लगता होगा कि हम रिटन एग्जाम तो क्लियर कर लेंगे बट इंटरव्यू के लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना केवीएस इंटरव्यू एक्सपीरियंस। सो जो 2018 की केवीएस की वैकेंसी थी उसमें जनवरी में 2019 में 28 जनवरी को टीजीटी रिटन एग्जाम का रिजल्ट आया था एंड 14 फेब को हमारा इंटरव्यू होना था दिल्ली में, और 24 जनवरी को रिजल्ट आया था पीजीटी का जिसका इंटरव्यू 11 फेब को होना था एमपी भोपाल में। सो रिटन एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद मेरे पास 14 टू 15 डेज का टाइम पीरियड था इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए। मेरे माइंड में भी वही सारी चीज़ें चल रही थी कि क्या प्रिपेयर करें इंटरव्यू के लिए, क्या पढ़े क्या ना पढ़े। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करूँगी प्रिपरेशन के लिए एंड मैं दिल्ली गई और वहाँ अध्ययन मंत्रा करके एक इंस्टीट्यूट है रोहित वैद्यवान सर का, वहाँ मैंने ज्वाइन किया। उस टाइम तक मेरे पास 8-9 दिन का टाइम बचा था इंटरव्यू से पहले। मेरे 2-3 मॉक इंटरव्यू हुए और कुछ क्लासेस हुई, और उन क्लासेस में हमें चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी और टीचिंग मेथोडोलॉजी के कुछ टॉपिक्स पढ़ाए गए, जैसे NCF 2005 के बारे में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, कुछ प्रिंसिपल्स जो हमारे बीएड में हम पढ़ते हैं, प्लस हमें केवीएस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ने के लिए बोला गया कि आपको जिस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना है एटलीस्ट उसके बारे में आपको सारी डिटेल हमें पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद करंट इवेंट्स के बारे में पढ़ने के लिए बोला गया कि जो भी उस टाइम पर करंट इवेंट्स हो रही हैं उन सब की नॉलेज आपको होनी चाहिए। सब्जेक्ट नॉलेज वो तो हमें पता ही था कि भाई हमारी वो तो अच्छी होनी ही चाहिए। हमारे ड्रेसिंग सेंस के बारे में हमें थोड़ा समझाया गया कि आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस की। 11th फेब को पीजीटी पोस्ट के लिए मेरा इंटरव्यू हुआ। उस इंटरव्यू पैनल में 3 पर्सन थे जिनमें से एक मेरे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे, दूसरे उन्होंने मोस्टली क्वेश्चन किए क्लास मैनेजमेंट के बारे में, चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में, और तीसरे एक उन्होंने कॉमन क्वेश्चन किए। सबसे पहली चीज़ किसी भी इंटरव्यू में होती है जो, वो होता है सेल्फ इंट्रोडक्शन, यानी अपने आप को इंट्रोड्यूस करना। फिर बात आती है कि हम इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करें अपने आप को या फिर हिंदी में। देखिए, आप CBSE के स्टूडेंट्स को पढ़ाने जा रहे हो तो आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन इतना अच्छा तो होना चाहिए कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पाएँ इंग्लिश में अच्छी तरह। तो मुझे भी इंट्रोडक्शन के लिए बोला गया, और इंट्रोडक्शन में आपको क्या करना है, अपने बारे में अपनी क्वालिफिकेशन बताइए, अपनी एजुकेशन कहाँ कहाँ से हुई है वो बताइए, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, प्लस आपकी अगर कोई हॉबी है तो रियल हॉबी बताइए, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है। आपको ऐसा नहीं कि कुछ भी हॉबी बता देनी और उसके बारे में आपको कुछ मालूम ही नहीं है। इंट्रोडक्शन में उनका पर्पज़ आपके बारे में जानना ज़्यादा नहीं होता, उनका पर्पज़ होता है कि आपका बोलने का तरीका कैसा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। प्लस नेक्स्ट जो पॉइंट आता है दैट इज सब्जेक्ट नॉलेज। सब्जेक्ट नॉलेज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की फैक्टर इन योर इंटरव्यू। अगर आपकी सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी है तो ये आपके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। मैं अपने इंटरव्यू की बात करूँ तो मेरे से मोस्टली क्वेश्चन PGT पोस्ट के लिए जो इंटरव्यू हुआ उसमें 11th एंड 12th CBSE बोर्ड NCERT आप उठाइए, मोस्टली क्वेश्चन वहाँ से पूछे गए, प्लस कुछ क्वेश्चन ग्रेजुएशन लेवल के पूछे गए थे। और मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के आंसर दिए थे, केवल कुछ 2 या 3 क्वेश्चन को छोड़कर मैं जिनके आंसर नहीं दे पाई थी। अब सब्जेक्ट नॉलेज में क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन तो पुटअप होंगे, साथ ही साथ आपका होगा डेमो। डेमो आपका वो मुश्किल से 3-4 मिनट या 4-5 मिनट का होता है, बहुत लंबा नहीं होता वो। आपका 2 या 3 मिनट में ही आपका टीचिंग स्टाइल देख लेते हैं, आपका बोर्ड यूज करने का तरीका। डेमो में आपको किस किस चीज का ध्यान रखना है, सबसे पहली चीज आती है आपका टीचिंग स्टाइल या एक्सप्लेनेशन का, एक्सप्लेन करना है आपको टॉपिक को। जैसे मुझे दिया गया था PBR 322 जो कि प्लाज्मिड है, 12th में बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक है। आपको टॉपिक को इसी तरह से पढ़ाना है जैसे आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप पैनल के सामने नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको बच्चों को इस तरह पढ़ाना है कि उनकी समझ में आ जाए वो टॉपिक। इस तरह स्टार्ट करना है, इस तरह एक्सप्लेन करना है जैसे आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, वो टॉपिक पूरी तरह से बच्चों को समझ में आ जाए। सेकेंड थिंग आती है कॉन्फिडेंस, आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, ये नहीं सोचना है कि हम पैनल को पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल ये सोच के जाइए कि बच्चे बैठे हुए हैं सामने, बिल्कुल भी नहीं हेजिटेशन रखनी है। थर्ड थिंग आती है बोर्ड का यूज,
आपको बोर्ड किस तरह से यूज करना है, आपको बोर्ड पर इस तरह से खड़े होकर पढ़ाना है कि बच्चों को विजिबल हो बोर्ड पे आप जो भी लिख रहे हो। ऐसा नहीं कि आपने बोर्ड छिपा लिया और पढ़ाते जा रहे हैं, बच्चों को कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा है, ये गलत तरीका होता है। बोर्ड का ध्यान रखना है, कैसे यूज करना है, कॉन्फिडेंस लेवल प्लस, ऐसा नहीं कि बोर्ड पे पढ़ाते जा रहे हैं और बोर्ड पे ही लगे हुए हैं, आपको सामने देखना ही नहीं है। पैनल के सामने भी आपको इस तरह टीचिंग करनी है कि आप उन्हें देखें बीच बीच में, जैसे हम बच्चों को के साथ कॉन्टेक्ट में रहते हैं ना, आई कॉन्टेक्ट होता है, ऐसे ही आपको पैनल के साथ रखना है। एक्सप्लेनेशन का मेथड इतना अच्छा रखिए कि वो टॉपिक पैनल में बैठे हुए लोगों को भी समझ में आ जाए। प्लस आपकी लैंग्वेज यहाँ क्या होनी चाहिए, देखिए यहाँ इम्पोर्टेंट है लैंग्वेज। देखिए अगर यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, जैसे मैं भी यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हूँ, बट मेरी जो सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजी है वो सारी मुझे इंग्लिश में मालूम होनी चाहिए। और आपको भी अगर आपका समझाने का या एक्सप्लेन करने का जो मेथड है वो बाइलिंगुअल है, मोस्टली टीचर्स का वही होता है, बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों यूज करते हैं, बट टर्म्स जो होनी चाहिए बायोलॉजी की सारी वो आपको हिंदी में नहीं बोलनी है एक भी, वो आपकी इंग्लिश में ही आपको मालूम होनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन का तरीका बाइलिंगुअल चलेगा, बट अगर आपको कोई टॉपिक एक्सप्लेन करना है ओनली इन इंग्लिश तो आप कर सके। टीचिंग करते टाइम आपको अपनी आवाज का भी ये ध्यान रखना है कि वो इतनी लाउड हो कि पैनल में बैठे लोगों को इजीली ऑडिबल हो। ये लैंग्वेज वाली बात मेरी इंटरव्यू में अटकी थी, जैसे जब मेरा डेमो चल रहा था मैं अपना ये PBR 322 टॉपिक एक्सप्लेन कर रही थी, मैंने डायग्राम ड्रॉ किया इसका और एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया, तो हैबिट जो होती है हमें वो बाइलिंगुअल की होती है, हम हिंदी इंग्लिश दोनों यूज करते हैं, तो मुझे बीच में उन लोगों ने बोला पैनल ने कि आप केवल इंग्लिश यूज कीजिए, आप एक्सप्लेन कीजिए ओनली इन इंग्लिश, बट बीच बीच में हिंदी का कुछ ना कुछ वर्ड आ जाता था। सो लास्ट में पैनल में जो मेरे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे उन्होंने मुझे बोला कि आपके सामने ये फ्लावर पॉट रखा हुआ है टेबल पर, आप इसको एक्सप्लेन कीजिए 4 to 5 सेंटेंसेस ओनली इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है। तो एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट मेरे लिए वो तो मुश्किल काम नहीं था, 4 to 5 क्या अबाउट 10 सेंटेंसेस मैंने उसके बारे में बोले और वो केवल इंग्लिश में बोले। सो लैंग्वेज एक की फैक्टर है, बट लैंग्वेज आपको अपने सब्जेक्ट में होना चाहिए, ये नहीं कि आप नॉर्मल बातचीत जो कर रहे हैं पैनल के साथ उसमें जरूरी नहीं कि आप पूरा इंग्लिश में बोलें, लेकिन आपका सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए कि आप टॉपिक को पूरा इंग्लिश में अगर वो बोलें तो आप पूरा इंग्लिश में एक्सप्लेन कर सकें, क्योंकि आप एक सेंटर की जॉब करने जा रहे हो। KVS पूरे इंडिया में आपको कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है, तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज है, बट इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जो हर कोई समझ सकता है, हर जगह के हर स्टेट के बच्चे समझ सकते हैं, तो इंग्लिश इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन के लिए। मेरे पैनल में दूसरे मेंबर थे जिन्होंने क्लास मैनेजमेंट के बारे में मेरे से क्वेश्चन किए, उनके क्वेश्चन इस तरह से थे, जैसे अगर कोई वीक स्टूडेंट है तो उसे आप कोई टॉपिक कैसे समझाओगी, या फिर कोई क्लास में बहुत नोटी बच्चा है जो क्लास में डिस्टर्ब करता है, क्लास आपके होने नहीं दे रहा है, तो आप उसे कैसे हैंडल करोगी। तो मेरा आंसर था कि अगर हमारी टीचर की अगर सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छी है और वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी क्लास में जाता है और क्लास लेता है, तो मुश्किल से ही ऐसा कोई बच्चा होता है जो क्लास को डिस्टर्ब करे, बट अगर फिर भी करता है तो मैं उसे प्यार से समझाऊंगी। तो मेरे इंटरव्यू का एक और लास्ट क्वेश्चन जो था वो था पोस्टिंग के बारे में, कि अगर आपको कहीं दूर ऐसी जगह पर जैसे अंडमान में या कहीं ऐसी जगह जहाँ रहना मुश्किल हो ऐसी जगह पोस्टिंग मिल जाए तो क्या आप ज्वाइन करेंगी, तो मेरा आंसर यस था। उन्होंने फिर से मेरे से दोबारा वही क्वेश्चन किया कि आप सोच के बताइए, तो भी मैंने बोला यस आई एम डेफिनेटली श्योर, मेरी कहीं भी पोस्टिंग होगी तो मैं ज्वाइन करूँगी। केवल ध्यान रखने वाली चीज़ें क्या क्या हैं कि आपका सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, आपसे जो भी टॉपिक पढ़ाने के लिए बोला जाए आपका डेमो का तरीका, आपका प्रेजेंट करने का अपने टॉपिक को वो बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन दिखाई दे कि आप 50 या 70 स्टूडेंट्स की क्लास में अपने आप को, अपने सब्जेक्ट को, अपने टॉपिक को कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। प्लस फिर आता है आपका ड्रेसिंग सेंस। ड्रेसिंग सेंस के बारे में मैं बात करूँ तो लेडीज़ के लिए क्या होता है कि आप साड़ी पहने तो बेस्ट है, बट अगर आप जैसे मैं साड़ी कैरी नहीं कर पाई थी तो आप सूट सलवार सिंपल सोबर होना चाहिए, मीन्स आप जो भी पहने वो फॉर्मल लगना चाहिए, सिंपल और सोबर होना चाहिए। और NCF 2005 या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या कोई और टीचिंग प्रिंसिपल के बारे में भी कोई क्वेश्चन नहीं किया गया। प्लस आपके सब्जेक्ट में मोस्टली 11th 12th स्टैंडर्ड के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट आपसे BSc MSc के टॉपिक्स भी पूछे जा सकते हैं,
पूछे जाएंगे कुछ, अब वो कितना परसेंटेज आपसे किस इंटरव्यू पैनल ने कितना परसेंट उसमें से पूछा और कितना उसमें से पूछा वो डिपेंड करता है अलग अलग पैनल पर। तो मेरे इंटरव्यू में 54 मार्क्स थे 60 में से, एंड रिटन में मेरे 110 थे। ओवरऑल मेरी 9th रैंक आई थी इस एग्ज़ाम में। सो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिले तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।